सब्सक्राइब कीजिए AHN न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर और जुड़े रहिए हमारे साथ। हैदराबादी शख्स का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जॉर्जिया में ड्यूटी अंजाम देने वाले स्पोकमैन अमजदुल्ला खान ने हैदराबाद के रिहायशी उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करने घर पहुंचकर इस सिलसिले से जुड़ी मज़ीद तफसलात बताई। ब्यूरो रिपोर्ट AHN न्यूज़। है मोहम्मद आरिफुद्दीन साहब की अहलिया के साथ और उनके फादर इल्ला है। ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मोहम्मद आरिफुद्दीन को जो है जॉर्जिया USA में जो है इनका स्टैप यानी कुछ बिजनेस राइवलरी में इनको स्टैप करके मार दिया गया है। और अभी इतला मिली है यानी एक घंटा पहले उनके फैमिली को, उनके वाइफ को और उनके फादर इन ला को ये इतला मिली है कि मोहम्मद आरिफ मोहिउद्दीन 37 ईयर्स जो जॉर्जिया में इनकी नीड्स ग्रॉसरी स्टोर थी उनका कुछ ब्लैक लोग आए आकर जो है उनके घर पे बेल मारे। जब ये दरवाज़ा खोले तो इनको जो है स्टैबिंग करके मार दिए। तो इनके वहाँ पर कोई भी नहीं है मोहम्मद आरिफ मोहिउद्दीन के। अगर कोई लोग वहाँ पर जॉर्जिया में हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरी उनसे अपील है कि इमीडिएटली इनकी फैमिली से कॉन्टैक्ट करके इनका हेल्प करिए। दूसरी चीज़ ये है कि आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर टू इमीडिएटली आज द इंडियन एम्बेसी इन जॉर्जिया, इंडियन काउंसलेट इन जॉर्जिया एंड इंडियन एम्बेसी इन USA टू इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द फैमिली ऑफ मोहम्मद आरिफ मोहिउद्दीन। ही इज़ अ रेसिडेंट ऑफ चंचलगुड़ा न्यू रोड। इनसे इमीडिएट रब्त कायम करते हुए इनकी फैमिली को हेल्प करना चाहिए एंड इनकी वाइफ और इनके फादर इल्ला इमीडिएट ये लोग वहाँ पर जाना चाह रहे हैं, US को, जॉर्जिया को जाना चाह रहे हैं ताकि फाइनल राइट्स में हिस्सा ले सके। तो इमरजेंसी वीज़ा देना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से इनका टिकट का भी इंतजाम करना चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा कि मोहम्मद आरिफ मोहिउद्दीन की अहलिया एक्चुअली ये है कि उनको एक मासूम बच्ची भी है, 10 महीने की बच्ची है और 10 साल से वो वहाँ पर पहले जॉब कर रहे थे, फिर बाद में खुद अपना एक ग्रॉसरी स्टोर लगाए। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है। कई हैदराबादियों के ऐसा वहाँ पर कत्ल हो रहा है, इनका भी एक ऐसा वाकया पेश आया है। हम इनकी फैमिली के साथ दुख में शरीक हैं। आप लोग भी दुआ करिए इन फैमिली के लिए और जल्द से जल्द हुकूमत से मुतालबा है कि इनको जाने का अरेंजमेंट किया जाए। मैं महनाज फातिमा से गुजारिश करूँगा कि आपको कब मालूम हुआ? वो आधा घंटा पहले मालूम हुआ जी, आधा घंटा पहले मालूम हुआ आपका। सैटरडे 9 बजे मुझे कॉल करे थे उन्होंने, फिर आधा घंटा पहले कॉल, आधा घंटा बाद कॉल बैक करते बोले, लेकिन कॉल ही नहीं करे उन्होंने। फिर मैं कॉल करते जा रही थी इनको, रात में 11:30 तक कॉल करी मैं, लेकिन कॉल रिसीव ही नहीं करे उन्होंने। तो फिर मैं मेरे सिस्टर इन लॉ को कॉल करी, उनको कॉल करने के बाद उनके कोई फ्रेंड सर्कल था वहाँ पे जॉर्जिया में, तो उन्होंने वहाँ पे कॉन्टेक्ट करे, तो वहाँ के PS से मालूम हुआ कि उनका मर्डर हो गया बोल के, और उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करे बोल के, लेकिन उनकी डेथ हो गई बोल के मालूम हुआ वहाँ पे। तो मेरे अपील है मैं गुजारने के लिए, थोड़ी हेल्प करिए आप लोग, मैं वहाँ पे जाना चाह रही हूँ। लाइट मोहम्मद आरिफ मोहिउद्दीन के जो फादर इल्ला है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आपसे मुखातिब का नाम। वालेकुम, मेरा नाम खालिया मोहिसर जी ने, मेरी लड़की है महनाज फातिमा जो बहुत ही अफजला है साहब, समझे आप। ये इनकी जो है फाइल भी किए हुए है इनका, लेकिन उसके बावजूद इनको कुछ वो नहीं मिला साहब। तो मेहरबानी करके आपसे रिक्वेस्ट, हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि हम उनको जाने के जो है बंदोबस्त करें आप, और गवर्नमेंट से थोड़ी मदद करवाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी आप। नहीं, आपको ये आपको कभी तला हुई कि ये मोहम्मद आरिफ मोहिउद्दीन का इनको जो स्टैबिंग हुई, उनका इंतकाल हुआ बोल के, और उन्होंने कितने साल से थे जरा वो डिटेल बोलिए। आरिफ मोहिउद्दीन साहब नियरली 10 ईयर से थे साहब, और इनकी जो डेथ हो की तला जो है हमारे को सिर्फ 1 घंटा पहले मिली बस। अच्छा, तो आपके और कोई लोग हैं वहाँ पर जॉर्जिया? नहीं नहीं, कोई नहीं है साहब, हमारे कोई लोग नहीं है, किसी की मदद नहीं, मेरी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ नहीं, क्या नहीं। मैं दोबारा फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि जॉर्जिया में जो भी हैदराबादी हैं, मैं मेरे फेसबुक पे और मेरे सोशल मीडिया पे उनका एड्रेस डालूंगा और फैमिली का कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा। जो भी लोग जॉर्जिया में
immediately rush to this part and help this person. Already he has been killed. Mohammed Arif Mohiuddin ki madad kariye, unke family ki madad kariye. Main dobara government se appeal kar raha hu ke immediately Ministry for External Affairs ye family se contact karna chahiye. हमारे केटी रामाराव साहब जो एनआरआई मिनिस्टर है, मेरी उनसे अपील है कि इमीडिएटली ये फैमिली से कांटेक्ट करते हुए इमरजेंसी वीज़ा जो यूएस काउंसलेट इन हैदराबाद है उनसे बात करके इमीडिएटली कल या परसों में दो रोज़ के अंदर इनको वीज़ा दिलाइए और टिकट का इंतज़ाम करिए। ये लोग जाना चाह रहे हैं वहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर जो भी है इसके केस के बारे में आई विल कीप यू अपडेटेड एंड आई अपील दोस पर्सन हु आर नियर जॉर्जिया और इन जॉर्जिया kindly immediately rush and help this person. Thank you. हमारे HN News को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।